नमस्कार। आने वाले 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, तो इस महीने भगत सिंह पर ही बात करते हैं। सबसे पहले बात आज करूंगा मैं भगत सिंह के मुकदमे और उनकी फांसी की। कई बार सवाल उठते हैं कि भगत सिंह का मुकदमा किसने लड़ा, किसने नहीं लड़ा वगैरह वगैरह। आज मैं तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा कि भगत सिंह का मुकदमा कैसे चला, किसने लड़ा और कैसे उनको फांसी हुई। आप जानते हैं कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंके थे। ये बम ऐसे थे जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। इन बमों के साथ ढेर सारे पर्चे फेंके गए थे। आप जानते हैं कि भगत सिंह एक ट्रेड बिल का विरोध कर रहे थे और यह तय किया गया था कि अपनी आवाज पहुंचाने के लिए असेंबली में इस बम कांड का उपयोग किया जाएगा। इसमें किसी को कोई नुकसान, किसी हत्या की बात नहीं थी। इसके तुरंत बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। न तो भगत सिंह ने न तो बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोई कोशिश की और गिरफ्तार करके दिल्ली में उनके ऊपर पहला मुकदमा चलाया गया। मैं बताऊं कि इस मुकदमे में भगत सिंह ने अपना कोई भी वकील करने से इंकार कर दिया था। उन्होंने सिर्फ कानूनी सहायता ली थी और कानूनी सहायता के आधार पर अपना मुकदमा खुद लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के लिए पैरवी की थी आसिफ अली साहब ने। आसिफ अली आप जानते हैं कांग्रेस के तेज तर्रार कार्यकर्ता थे और जाने माने वकील थे, तो उन्होंने भगत सिंह को कानूनी सहायता पहुंचाई और बटुकेश्वर दत्त के लिए मुकदमा लड़ा। लेकिन मुकदमे का कोई अर्थ नहीं था। ब्रिटिश सरकार फैसला कर चुकी थी कि सजा देनी है, तो एक हफ्ते के अंदर फैसला आ गया और 14 जून को हम देखते हैं कि दोनों क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा देकर भगत सिंह को मियांवाली की जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर की जेल में भेज दिया गया। यहां एक अध्याय खत्म होता है लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है। असल में पुलिस को सांडर्स हत्याकांड जो था, सांडर्स की जो हत्या हुई थी, उसको लेकर किसी तरह की कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। भगत सिंह के ऊपर शक तो था उनको, लेकिन कोई सबूत नहीं था उनके पास। अच्छा, आप ये भी जानते हैं आज का भी दिन है, अगर आप किसी पुलिस वाले पे हमला कर दीजिए तो आपका बचना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब पुलिस वालों की एकता जो है, आपको अगर याद हो तो एक न्यायाधीश ने हमारे कहा था कि ये गुंडों का सबसे संगठित गिरोह है, तो उस जमाने में भी था। आखिर वही परंपरा तो आगे चलती रही। तो चूंकि एक पुलिस वाले, वो भी एक अंग्रेज पुलिस वाले की हत्या हुई थी, इसलिए उस केस में कोई लीड ना मिल पाने को लेकर अंग्रेज बहुत नाराज भी थे और दुखी भी थे। उन्होंने भगत सिंह के कुछ साथियों पर दबाव बनाना शुरू किया और उनके ही दो साथी हंसराज बोहरा और जयगोपाल सरकारी गवाह बन गए। यानी भगत सिंह के दो साथियों ने गद्दारी की। असल में आप क्रांतिकारी आंदोलन का अगर पूरा इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों चाहे बाद के लोग हों, उनकी जो हत्याएं हुई, उनको जो पकड़ा गया, उसमें अपने ही दल के लोगों की गद्दारी का बड़ा हाथ रहा। अब ये जो हंसराज बोहरा था, ये तो भगत सिंह का बहुत करीबी था, खूब पढ़ा लिखा भी था। आप जानते हैं बाद में ये अमेरिका चला गया, वहां पत्रकार बन गया। खैर, तो उस समय हंसराज बोहरा और जयगोपाल ने ये गवाही दी कि सांडर्स हत्याकांड में भगत सिंह किस तरह से शामिल थे। चूंकि हंसराज बोहरा और जयगोपाल दोनों सांडर्स हत्याकांड में खुद शामिल थे, तो उनको सारी डिटेल्स भी पता थी। तो उनकी गवाही के आधार पर सांडर्स हत्याकांड में लाहौर में मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, अजोय घोष, जतिन दास, प्रेम दत्त, शिव वर्मा, इन सारे लोगों के ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। भगत सिंह तो आप जानते हैं कि अदालत का उपयोग करना चाहते थे अपनी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए, तो अदालत जेल के भीतर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा और इन लोगों ने भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी, राजनैतिक कैदी का दर्जा दिए जाने और बेहतर सुविधाओं के लिए। सबसे पहले जो आदमी इनके समर्थन में आगे आया वो थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल उन्होंने खुद के लिए नहीं की है, उसकी एक आम वजह है। इस अनशन पर अंग्रेज कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, जबरन उनको फीड कराया जाता था, परेशान किया जाता था। तो इस पर जवाहरलाल नेहरू ने एक मुकदमा, इस पर जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कुछ अन्य सदस्यों के साथ, कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों के साथ जेल में उनसे मिलने गए और जेल में उनसे मिलने के बाद, भगत सिंह से जेल में मिलने के बाद उन्होंने बयान जारी किया
कि इन नायकों की हालत देखकर मैं बहुत व्यथित हूं। संघर्ष में उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। वे चाहते हैं कि राजनीतिक कैदियों के साथ राजनीतिक कैदियों की ही तरह व्यवहार किया जाए। मुझे पूरी आशा है कि उनके त्याग को सफलता का मुकुट जरूर मिलेगा। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो तब तक सांप्रदायिक नहीं हुए थे, तब तक पाकिस्तान की बात करना उन्होंने शुरू नहीं किया था, उन्होंने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें भोजन और जीवन के मामले में यूरोपियों के लिए निर्धारित स्तर और पैमाने से नस्ली भेदभाव के आधार पर कमतर सुविधाएं दी जा रही हैं, और ये मांग की कि उनको वही सुविधा दी जाए जो यूरोपीय कैदियों को दिया जाता है और राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। 63 दिन हड़ताल लगातार जब चली तो 63वें दिन आप जानते हैं कि जतिन दास शहीद हुए। जतिन दास का जो शव था, शहीद जतिन दास का जो शव था, उसको लाहौर से कलकत्ता पहुंचाने की व्यवस्था की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जतिन दास ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि रूढ़िवादी तरीके से मेरा संस्कार न किया जाए। जतिन दास एक हीरो की तरह बंगाल में हो गए और बंगाल की सड़कों दीवारों पर उस समय पोस्टर लगे, मेरा बेटा जतिन दास जैसा हो। पूरे देश में इसका शोक मनाया गया। इसका विरोध हुआ। पंजाब में कांग्रेस के दो नेता गोपी चंद भार्गव और मोहम्मद आलम ने पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरू सेंट्रल असेंबली में पंजाब सरकार की निंदा का एक प्रस्ताव लेकर आए जो भारी बहुमत से पास हुआ। इसके बाद बाकी सदस्यों ने तो अपना अनशन वापस ले लिया था, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपना अनशन वापस नहीं लिया था। उसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें इन दोनों युवाओं से यह अपील की गई कि अपना अनशन वापस ले लें। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह वो पत्र लेकर पहुंचे, जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो पत्र लेकर पहुंचे, और उस पत्र के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, आप जानते हैं कि 116 दिनों के अनशन के बाद 5 अक्टूबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। लाहौर में जो केस चल रहा था उसमें भगत सिंह ने तो हमेशा मना किया, उन्होंने तो अपने लिए वकील लिया नहीं, लेकिन उनके बाकी साथियों की जो वकालत थी, पैरवी थी, वो गोपी चंद भार्गव कर रहे थे, दूनी चंद थे, बरकत अली थे, अमी चंद थे, बिश्नाथ थे, अमोलक राय कपूर थे और डब्लू चंद्र दत्त थे। इसके अलावा पूरण चंद मेहता भी थे। इनमें से गोपी चंद भार्गव को आप जानते हैं वो कांग्रेस के नेता थे और बाद में चल के पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने। बाकी सारे लोग भी राष्ट्रवादी आंदोलन से, कांग्रेस से और बाकी पार्टियों से जुड़े हुए थे। लेकिन सरकार ने लगभग तय कर लिया था उस समय, एक जेम्स क्रेरर नाम के एक जो प्रमुख थे इनके इंटेलिजेंस के, उन्होंने ये कहा था, बल्कि उन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी कि इस समय भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक देश में कोई और नहीं है, और अंग्रेज सरकार लगभग तय कर चुकी थी कि इनको फांसी देनी ही है। इसमें गांधी वाला प्रिल्यूड आता है, गांधी ने बचाने की कोशिश की या नहीं की, इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे तो मैंने उसको लेके एक लंबा वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। खैर हुआ ये कि मुकदमा चल नहीं पा रहा था, मुकदमा कहीं पहुंच नहीं रहा था, तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। उस ट्रिब्यूनल को असीमित अधिकार दे दिए गए, मतलब वो ट्रिब्यूनल अपने आप में एक सरकार बन गया। अब फांसी देनी थी, फांसी को कानूनी तरीके से दिखाना था, तो उसको कानूनी तरीके को दिखाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। भगत सिंह ने इस ट्रिब्यूनल को एक धोखा कहा, बोला न्याय की पूरी प्रणाली के साथ ये एक धोखा है। और भगत सिंह और उनके साथी जब जाते थे तो एक तो जो उनके अपने गद्दार बन गए थे उनका मजाक उड़ाते थे, एक बार तो शिव वर्मा ने जयगोपाल के ऊपर चप्पल भी फेंकी थी, और दूसरा ये कि अदालत के भीतर भी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते थे, उनकी मारपिटाई करने की कोशिश की जाती थी, बाकी सारी चीजें होती थी। और असल में हुआ यह कि ट्रिब्यूनल के अंदर लगभग सारा मुकदमा जो था वो भगत सिंह और उनके साथियों की अनुपस्थिति में चला। इस ढकोसले ने, जिसको भगत सिंह ने एक ढकोसला कहा था, उसने 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजाए मौत दी। किशोरी लाल, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव, कमलनाथ तिवारी को काला पानी अंडमान निकोबार की सजा हुई, कुंदन लाल को 7 साल की सजा हुई और प्रेम दत्त को 5 साल की सजा मुकर्रर हुई। जिनको
अंडमान निकोबार भेजा गया था उनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ये लोग भी आजाद हुए। तो ये मैंने बताया आपको कि भगत सिंह का मुकदमा किसने लड़ा। अब एक और सूचना, मैंने बताया मोतीलाल नेहरू लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्ताव लेके आए, जवाहरलाल नेहरू मिलने गए, नेताजी सुभाष ने समर्थन किया और जतिन दास का शव कलकत्ता भेजने की व्यवस्था की, मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा समर्थन किया। भगत सिंह के मरने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो लेख लिखे, पेरियार ने लेख लिखे, लेकिन एक संगठन ऐसा था जो आज देशभक्ति के बड़े बड़े दावे तो करता है लेकिन भगत सिंह की गिरफ्तारी, उनके पूरे मुकदमे और सजाए मौत के बाद भी उस संगठन के बड़े बड़े नेता यानी कि सावरकर, हेडगेवार, गोलवरकर वगैरह वगैरह वगैरह, किसी के मुंह से भगत सिंह पर एक शब्द नहीं निकला। जब आजादी मिल गई, अपने आका अंग्रेजों के नाराज होने का खतरा टल गया, उसके बाद वो भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह करने लगे। तो ये सच्चाई जानिए, जानते रहिए भगत सिंह की जिंदगी, उनकी विचारधारा और उनकी बातों पर कुछ और वीडियो जल्दी ही। बहुत शुक्रिया।